ये वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर है जो बताता है कि हम कितने फीट पर मिनट के हिसाब से क्लाइंब या डिसेंड कर रहे हैं। ठीक है, और ये हमारे सर्किट ब्रेकर्स हैं, ये लाइट्स हैं। ठीक है, ये हमारे ट्रांसपॉन्डर है, इसके ऊपर जो हम कोड लगाते हैं जो हमें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर देता है, उससे हम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के पास ब्लिंक होते हैं रडार के ऊपर। ये कराची एयरपोर्ट का टावर है। अच्छा, और जो हमारे इंजन के सिलेंडर्स हैं उसकी जो एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर है वो इधर आता है। ठीक है, और ये आईएलएस है, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। अच्छा, हम एयरक्राफ्ट को ना रोल करते हैं, अब आप विंग्स के ऊपर देखें, एलरॉन से मूव हो रहा है ना। ओके, अगर हमने क्लाइंब करना है तो वी हैव टू पुल दिस कंट्रोल कॉलम। टावर अल्फा क्लिक लो, होल्डिंग ऑन जूलियट, शॉट ऑफ ब्रावो। अच्छा, और अगर हमने डिसेंड करना तो आगे को करते हैं। ये हमारा ट्रिमर है, क्योंकि एयर का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि हम इसको होल्ड ज्यादा देर नहीं कर सकते, फोर्स लगती है, तो उसको रिलैक्स करने के लिए हम ये करते हैं। अब होगा क्या, जब हम रनवे के ऊपर लाइनअप हो जाएंगे तो मैं यहाँ से पावर दूंगा। आपने बस क्या करना है, जब यहाँ पे ये स्पीड 60 पे आएगी ना, तो आपने इसको हल्का सा बैक प्रेशर देना है, इतना नहीं नहीं ठीक है। मैं आपको खुद पता लग रहा होगा, जैसे जैसे आप तो थोड़ा सा अंदाजा होता ना, आप उसको बैक प्रेशर दोगे ना, तो इस तरह क्लाइंब कर रहा है, खींच के नहीं आना, कंटिन्यूस थोड़ा सा खींच के पुल करके वहीं होल्ड कर लेंगे, मुझे क्लाइंब करना शुरू कर दिया। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं कंट्रोल आपसे ले लूँगा, क्लाइंब करके फिर आपसे दे दूँगा।